जब बुढ़ापे की स्थिति होती है, बुढ़ापे की स्थिति में शरीर जर्जर हो जाता है और जर्जर शरीर में माँ बाप को पैसा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। जब जब आप घर से बाहर बाहर से घर प्रवेश करते हैं, तब 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 आप माँ के जा माँ के पास पिता के पास जा करके दो बातें कर लेते हैं। माँ और पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, आज भी मेरे बेटे मेरे अनुकूल है। क्या आप करते हैं? और आप नहीं करते हैं तो आप मत सोचिए कि मेरे बच्चे मेरे बुढ़ापे में सांसी हो। आपने अपने बुढ़ापे के लिए बैंक बैलेंस किए होंगे, हो सकता है वो बैंक बैलेंस आपका साथ दे या ना दे, लेकिन बच्चे आपका एक ऐसा सेविंग अकाउंट है। यदि उनके अंदर सही संस्कार इंक्लूड करेंगे, सही संस्कार भरेंगे, वो बच्चे का वो सेविंग अकाउंट आपके भविष्य में अच्छा काम आएगा, ये निश्चित जाने जाएंगे। वो बच्चे आपके सेवा करेंगे। यदि आपके बैंक में बैलेंस भी नहीं है और बच्चे के अंदर ऐसा संस्कार इकट्ठा किया, इसमें मैं कहा करता हूँ बच्चों को संस्कार, बच्चों को उपहार मत दो चलेगा, लेकिन बच्चों को संस्कार मत दो तो अपना भी जीवन रौंद डालेगा और खुद रोएगा और आपको भी रुलाएगा। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। कभी अनाथ आश्रमों में ले जाइए, दिखाइए कैसे लोग जीते हैं जिसके माँ बाप नहीं है। सौभाग्यशाली है वो माँ बाप है जिनको माँ बाप की सेवा करना चाहिए। आज सौभाग्य मिला है हमको माँ बाप की सेवा करने की। लोग कह सकते हैं आप लोग तो नहीं करते माँ बाप की सेवा। मैं कहता हूँ हम एक माँ बाप को छोड़ करके हजारों माँ बाप की सेवा, और माँ बाप को छोड़े नहीं है। आज भी उस माँ बाप को जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। हमारे सभी संत कहते हैं आज भी उस माँ बाप की जरूरत पड़ी तो उस माँ बाप को हम सब सेवा करने के लिए तैयार है। वो माँ बाप खुश नसीब होते हैं जिनके बेटे समाज की सेवा करते हैं। महात्मा विवेकानंद जी कहा करते थे, यदि समाज की सेवा करना हो तो शादी कभी मत करना, समाज की सेवा करना हो तो आज भी हम सब तैयार हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं जिसके माँ बाप हैं। उन लोगों को पूछो जिनके माँ बाप नहीं हो, तरसते हैं माँ बाप के लिए, गिड़गिड़ाते हैं। मैं कैसा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे माँ बाप नहीं हैं। जिनके माँ बाप होते हैं उनके साया होती है, उनके साथ वो चलते हैं, उनके हर कदम पर कदम माँ बाप मिलाते हैं, उनकी गलतियां पर माँ बाप रोकते हैं। और जिनके माँ बाप हो माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, माँ बाप का तिरस्कार करते हैं। जब बुढ़ापे की अवस्था होती है तो आप भगवान की पूजा करते हैं। अभी चर्चा चल रही थी, मैं भगवान का विरोधी नहीं, लेकिन मैं असली भगवान से पहले मुलाकात करा दूं आपको, असली भगवान से पहले मुलाकात करा दूं। हमारे यहाँ जितने भी भगवान हैं सभी भगवान आदरणीय हैं, सभी का आप पूजा करिए, जिसको मानते हैं पूजा करिए, मैं विरोध नहीं करता। एक आदमी ताश खेलता है, एक आदमी चरस पीता है, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, बकवास करता है, उनसे बहुत बेस्ट और बेटर है वो व्यक्ति जो कम से कम भगवान की पूजा करता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, उन भगवान की पूजा करिए, लेकिन उससे ज्यादा उत्तम भगवान असली भगवान से आप मुलाकात कर लीजिए। जब आप जन्म लिए इस दुनिया में तो आपको सबसे पहली मुलाकात किससे हुई थी? वही आपके असली माँ बाप ही असली भगवान है, वही असली माँ बाप आपके असली भगवान है। माँ बाप अपने बच्चे को लूले और अपंग बनाते हैं। मेरी बातों में बहुत सारी कड़वाहट भी आई, लेकिन आप उस पर विचार करिएगा। एक जगह एक बच्चा अपने माँ को देखता था कि रोज माँ पूजा करती है भगवान की, लाख घंटों घंटों बैठ करके पूजा करती है, और माँ से वो बच्चा पूछ पड़ा एक दिन, माँ आप किसकी पूजा करते हो? कहे भगवान की पूजा करता हूँ, करती हूँ। इतना में बच्चे पूछते हैं, आज के बच्चे टैलेंट होते हैं, एक प्रश्न खत्म नहीं होता है, दूसरा प्रश्न जड़ देते हैं, पूछते हैं भगवान की पूजा करने से क्या होता है। आपको बताना चाहिए सही बातें। भगवान की पूजा करने से मन में एक श्रद्धा बनता है, एक भाव बनता है, झुकने का साहस मिलता है, हमको चलने का साहस मिलता है। वो सही ज्ञान देना चाहिए था, माँ ने उनको गलत ज्ञान दे दिया। उन्होंने माँ ने कहा ये भगवान भगवान है बेटा, जो मांगो भगवान से वो मिलता है और जो चाहो वो हो जाता है। उन्होंने गलत उत्तर दे दिया। एक दिन बच्चा स्कूल से आता है, रोज स्कूल से आने के बाद माँ के पास जाता था और भोजन मांगता था, लेकिन वो बच्चा उस दिन माँ के पास नहीं आया। जैसे ही दौड़ करके आया, अपना बिस्तर रख अपना पुस्तक कापी अपने कमरे में रखा बिस्तर पे, और दौड़ करके भगवान के कक्ष में चला गया जहाँ भगवान बिठाया था, और वहां जा करके भगवान के पास पूजा और अर्चना करना शुरू कर दिया।
इतना में दौड़ करके उनकी मम्मी दौड़ करके जाती है, बेटा तुम रोज मेरे पास आते थे भोजन के लिए, आज क्या हो गया तुम मेरे पास नहीं आकर के भगवान के पास बैठे हो, ऐसी बात क्या है। इतना में बच्चा फिर से पूछता है, माँ भगवान से जो मांगो वही तो हो जाता है ना। माँ इतना में फिर से उत्तर देती है, हाँ बेटा भगवान से जो मांगो वही मिलता है। बच्चा कहता है, माँ मेरे क्वेश्चंस में एक प्रश्न पेपर में क्वेश्चंस आया था कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने भारत की राजधानी नागपुर डाल दिया है और गलती बाहर निकला तो मुझे पता चला कि उत्तर गलत है, भारत की राजधानी दिल्ली होना चाहिए था, मैंने गलत उत्तर डाल दिया है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उस वाक्य को मेट करके भारत की राजधानी दिल्ली लिख दे। माँ कहती बेटा ये नहीं हो सकता। फिर माँ उस माँ के प्रति आस्था, उस भगवान के प्रति आस्था घट जाती है, आस्था घट जाती है। इसलिए आप सही भगवान का परिचय कराइए, आपके घर में भगवान की पूजा होती है तो पूजा करिए, लेकिन सर्वप्रथम आपके इस परिवार में कितने वृद्ध माँ बाप होंगे, उनकी कितने लोग आरती उतारते हैं, कम से कम फेस्टिवल में त्योहार में कम से कम त्योहार में नया वर्ष में कम से कम इतना तो पूजा कर लिया करे, जितना भाव से गणेश भगवान की, दुर्गा माता की, काली माता की जितना भाव से आप पूजा करते हैं, साक्षात देवी देवता की यदि पूजा कर लेते तो आपका जीवन आज स्वर्ग बन गया होता, आपके जीवन में आज निहाल ही निहाल होता। उस असली देवी देवता की पहले पूजा करिए, मैं पूजा मत करिए नहीं कह रहा हूँ, जिन्होंने नौ माह अपने कोख में रखा, जिन्होंने अपने खुद गीले में सोई और हमको सूखे में सिलाया सुलाया, जो खुद अन्न खाती थी भूसे चने रोटी को खा लेती थी लेकिन हमको अच्छे चीज ही खिलाती थी, उस माँ बाप की पहले पूजा होना चाहिए, हर घर में उस माँ बाप की पूजा होना चाहिए।